तो स्वागत है सबका आज के एक नए वीडियो में और मैं बना रहा हूँ टाइम मशीन क्योंकि मुझे जाना है 1560 में जब राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था और उसका एक रीजन है क्योंकि मेरे को 1560 में जाके एक ऐसी चीज करनी है जो किसी ने अब तक नहीं सोची होगी मुझे 1560 में जाके ओपन करना है एक दुकान दुकान बोले तो एक बढ़िया सा सुपर मार्केट ओपन करेंगे सुपर मार्केट नहीं एक बोल टाइप की बड़ी सी मतलब चीज ओपन कर देंगे और वहां पे हम लोग बेचेंगे पंद्रह का जो भी सामान है वो सब चीजें तो आज वो फटाफट से हम लोग करते हैं टाइम ट्रैवल और जाते हैं पंद्रह में और हाँ ये जो गेम आज मैं खेलने वाला हूँ वो पंद्रह जो ईयर था उसके ऊपर मतलब उस टाइम पे बनी हुई गेम है तो तुम्हें देखने में बहुत मजा आएगा आ जाओ गेम को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग टाइम ट्रैवल करके 1560 में आ चुके हैं और अगर तुम लोग घर देखोगे ना तो तुमको तुरंत ही पता लग जाएगा कि नहीं ये घर तो पुराना है एकदम लाइट वगैरह भी एकदम प्राचीन काल वाली है ये अगर तुम दरवाजा देखोगे तो लकड़ी का है ऊपर भी लकड़ी है और जो भी स्टील वगैरह का यूज हुआ है नॉर्मल हुआ है मतलब अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं आई ये देखो यहाँ से सामने पड़े हुए हैं डब्बे और इसको ओपन करते हैं दरवाज़ा और भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही पुरानी चीज़ें होगी लोग बोग रहते हैं कि नहीं यहाँ पे ये यह कोई रहता ही नहीं है 1560 में ये सब चीज़ें बन चुकी थी बट लोग रहने के लिए नहीं थे तो यहाँ पे हम धंधा क्या करेंगे हम लोगों को तो यहाँ पे शॉप ओपन करना था अगर हम शॉप ओपन कर भी लेंगे तो सामान बेचेंगे किसको ये आ गया एक लड़का ये नहीं ये लड़का नहीं है तो पुराना प्राचीन काल का डोसा बोलते हैं ना वो है एकदम वो पुराना आदमी है ऐसा लग रहा है दिखने में ये काफ़ी प्राचीन काल वाला इंसान है उसके अलावा एक और प्राचीन काल का इंसान इधर सब बूढ़े ही रहते हैं क्या समझा नहीं मेरे को भाई और अपना शॉप कहाँ पे मिलेगा मैप ओपन करना पड़ेगा चलो 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 भाई इधर से निकलते हैं और ये भी बूढ़ा आ गया इसकी हेयर स्टाइल देखो पंद्रह में भी लोग हेयर स्टाइल तगड़ी रखते थे मैप ओपन करके देखते हैं ये है मार्केट ये है शॉप और ये है अपना घर तो अभी के लिए तो हम लोग अपने शॉप पे ही जाने वाले हैं और मैप के हिसाब से देखें तो ये अपना शॉप है जो ये वाला है ना ये अपना शॉप है और उसके अलावा वर्कर तो बहुत सारे है ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं चलो अभी अपना शॉप ओपन लोग ओपन करते हैं ये कर दिया मैंने अपना शॉप ओपन और यहाँ पे सभी लोग चीज़ें खरीदने के लिए आएंगे और हमें पैसे बनाने हैं तो हम लोग जो अभी 2021 या 2022 2023 में जो पैसे बनाए हैं वो सभी चीजें हम लोग पंद्रह में करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या अगर हम कोई सामान बेचते हैं तो पंद्रह में कितना प्रॉफिट मिलता है ये चीज हमें सिखा रहे प्रेस क्यू टू कस्टमाइज योप ओके क्यू दबा के देखते हैं अरे वाह द प्राइज इन मार्केट चेंज एवरीडे मतलब मार्केट में जो प्राइस है वो डेली चेंज होती है एक मिनट मेरे को एक चीज देखने दो अच्छा तो हम लोगों को जो भी चीजें बेचनी है अपने शॉप में उसको हम लोगों को मार्केट से लेके आना है मतलब मार्केट से हम लोग बहुत सारा सामान एक साथ लेके आएंगे और अपने शॉप पे बेचेंगे और उसके ऊपर प्रॉफिट कमाएंगे क्या बात है ये बूढ़ा इधर कैसे आ गया ये तो समझा है तो अपना वर्कर है ये भाई साहब क्या कर रहा है छुरी बुरी लेके आए कि मार देगा छुरी बुरी ये क्या है योर वर्कर विल हैंडल द सेलिंग प्रोसेस यू जस्ट हैव टू कलेक्ट मनी फॉरम द पाउच ओके तो मतलब इसमें पैसे हो गए उससे हमें पैसे कलेक्ट करने हैं और ये एक दिन का कितना चार्ज करेगा ये भी मेरे को बता दो क्यूँ दबा के देख लेते ये वर्कर बुक है ये टॉयलेट है बेड है और टेबल है आई थिंक आप लोगों को टेबल चाहिए चीजें बेचने के लिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे चीजें रखेंगे ना बेचने के लिए एक टेबल यहाँ पे रख दिया अच्छा मेरे पास एक ही टेबल था तो दो टेबल हो चुके हैं और उसके अलावा ये पड़ा है थोड़ा सा सामान स्टेक अनपैकिंग गुड्स बाई प्रेसिंग एफ ओके तो मतलब इसके अंदर स्टार्ट है स्टेट नहीं है भाई ये स्टार्ट लिखा हुआ है एक तो फॉन्ट का एकदम वाट लगा के रखा है गेम वालों ने अब इसको उठा के ये रखते हैं पाउच को इधर और इसमें से सामान निकाल के ऐसे बटाटा क्या बात है बटाटा कोई खरीदेगा क्या पंद्रह सौ साठ में बटाटा का जो ये बटाका बोलते हैं उसका संशोधन हो गया था क्या आई थिंक बटाका तो बहुत पुराना है और इसका संशोधन करने का जरूरत भी नहीं था पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं और भी सामान अपने पास पहले से ही पड़ा हुआ है इससे थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट से और भी चीजें लेने के लिए ये है ब्रेड और तुम लोग मानोगे नहीं 1560 में ब्रेड बनना स्टार्ट हो चुका था पता नहीं ये कैसे बट 1560 में ब्रेड कैसे बन रहा था ब्रेड का संशोधन भी हो गया था क्या 1560 में कि टाइम ट्रैवल करके हम लोग अठारह या 1900 साल में आए हैं और हमको पता ही नहीं है 1560 कहने के लिए ही है ये डब्बे में क्या है ओ भाई साहब ये तो घास भूस काटने के लिए है ना सिकल इसको क्या बोलते हैं भाई हिंदी में क्या बोलेगी इसको कोई कमेंट करके बताना इसका यूज होता है आ, खेती में घास वगैरह काट कूट करने के लिए इसको यहाँ पर रख देते हैं पाँच और अभी थोड़ा बहुत सामान लेके हमको आना होगा बट उससे पहले थोड़े पैसे कलेक्ट कर लेते हैं भाई किसी ने पैसे ही नहीं दिए क्या भाई ये पैसे खा रहा है क्या अच्छा मिल गया सिक्सटी फाइव डॉलर हमारे पास आ चुके हैं इसको सिक्सटी फाइव डॉलर ही बोलेंगे कि क्या बोलेंगे सिक्सटी फाइव बोल सकते सोने के भाई सोने के कोई मिल रहे टेक योर कार्ड टू मार्केट टू लोड योर गुड्स ओके पहले तो फोन चेंज करो एक गेम के अंदर फोन की बहुत मगज मारी है कुछ रीड ही नहीं होता सही से ये वाला जो डब्बा है ना डब्बा नहीं मतलब इसको लेके जाना है साइकिल को हमको लेके जाना है और इसमें हम लोग सामान रख के लेके आएंगे मतलब इसमें हमें सामान डाल देना है जो भी मार्केट से खरीदेंगे वो और अगर हम लोग मैप के हिसाब से देखें तो मार्केट या तो इधर है या तो ये वाली साइड पे है एक बार ओपन कर लेते हैं क्रॉस में है ये वाला जो जगह है वो कोई दूसरा ही है तो हमको क्रॉस वाली साइड पे जाना है लेट्स गो हम लोग जाएंगे ए वाली साइड पे क्योंकि यहाँ पे हमें मिलेगा मार्केट और वहाँ से हम लोग लेके आएंगे थोड़ा बहुत सामान और फिर बेचेंगे हम लोग वो सामान को अपनी शॉप पे मतलब अगर अपन को मार्केट से सौ रुपीस का सामान खरीदते हैं ना तो हमारे शॉप पे वो सामान बिकना चाहिए एक या एक डॉलर का या डॉलर ही बोलेंगे कोई नहीं बोलेंगे तो अगर हम लोग सौ रुपीज़ की चीज़ को एक सौ तीस डॉलर में बेचते हैं अपने शॉप पे तब जाके हमें प्रॉफिट मिलेगा तीस डॉलर का या तीस कोइन का बट अगर हम लोग सस्ते में बेच देते हैं तो फिर हमारा जो धंधा है वो डूब जाएगा और धंधा कोई भी डुबाना नहीं चाहता है सच बताऊँ तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सही तरीके से काम करना पड़ेगा भाई ये पत्थरों के बीच से कैसे जाना पड़ रहा है पहुँच गए क्या हम लोग हाँ आई थिंक हम लोग मार्केट में आ चुके हैं मार्केट तो भाई दिखने में तो बढ़िया है बट चल क्यों नहीं पा रहा है इतना भी वजन हो गया क्या कहाँ गया हमारा वो भाई वो साइकिल लेके आए तो साइकिल किधर गया अच्छा ये रहा साइकिल चलो 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 मैं बोलूँ साइकिल अभी अपने साथ था और अभी एक ही पल में गायब हो गया ये आ गए हम लोग मार्केट और मार्केट में भाई साहब पंद्रह सौ साठ खूबसूरत तो है इनको नहीं पता है कि हम लोग दो हजार तेईस से आए हैं वरना ये लोग बहुत सारे सवाल पूछेंगे क्या 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 आ चुका है 2023 में ऐसा बट ये लोग सवाल नहीं पूछेंगे आई थिंक ये क्या है तीस डॉलर का एक शेफ है तीस कोइन का सच बताओ तो थर्टी फाइव कोइन का ये टेबल है बड़ा सा उसके अलावा एक बेड है पचास कोइन का एक टॉयलेट है पचास कोइन का मेरे को एक बात खरीदना है बट बात मैं बाद में खरीदूँगा महंगा पड़ेगा और ये है एक वर्क बुक जो कि ख़रीदने जैसा है बट मेरे पास पहले से ही एक वर्कबुक है तो ये वाला मैं नहीं ख़रीदूंगा ये वर्कबुक करता क्या पता है हमारी गेम वगैरह सेव करके हमको देता है तो अगर हम लोगों को गेम वगैरह सेव करना है तो ये बुक की ज़रूरत पड़ेगी अभी ये वाला डब्बा लेके हम लोग जाते हैं यहाँ पर और ये बात ये है सबसे बड़ा मार्केट मेरे को एक मिनट देखना है तो ये वाली जगह पे क्या है प्रेस एन टू एक्सेस योर नोटबुक नोटबुक का एक्सेस करने के लिए एन दबाना है समझ गया बट ये वाली जगह क्या है अच्छा इधर तो ये सब सामान पड़ा हुआ है चलो छोड़ो मेरे को लगा कुछ होगा वहाँ पे अब यहाँ से हमें ख़रीदना है सामान सबसे पहले तो ये है सीड मतलब जो खेती में काम लगती है वो सीड लगाने के लिए सीड आता है ना वो ही वाला सीड है ये और ये पच्चीस डॉलर में हम लोग खरीदेंगे और नॉर्मल प्राइस है तीस डॉलर मतलब करंट प्राइस ट्वेंटी फाइव नॉर्मल प्राइस थर्टी इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग पाँच कोइन का प्रॉफिट ले सकते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि यह ख़रीदना चाहिए बट स्टार्टिंग के लिए पाँच डॉलर भी बहुत होते हैं तो जो धंधा है वो पहले तो धीरे धीरे स्टार्ट होता है तो अभी के लिए ख़रीद लेते हैं बाकी ये है ट्वेंटी थ्री नॉर्मल और करंट प्राइस बी ट्वेंटी थ्री नहीं खरीदेंगे कैंडल एक सौ बाईस का ये मिलेगा अभी के टाइम में अगर हमको कंपास चाहिए तो और नॉर्मल प्राइस है इसका हंड्रेड मतलब हम लोग बाईस कोइन का नुकसानी करके चीज़ों को बेचना तो पसंद नहीं करेंगे तो इसको मारेंगे गोली ये है आ, ट्वेंटी वन का टोर्च है जो कि ट्वेंटी एट में बिकेगा एक डब्बा खरीद लेते हैं इसमें मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है सच बताओ तो काफी अच्छा प्रॉफिट है और अभी हमारे पास बचे है हाँ उन्नीस कोइन बचे है तो ये उन्नीस कोइन में क्या खरीद सकते हैं भाई इधर देखो तलवार बलवार सब भाई एकदम ये देखो एकदम तगड़ी तलवार है और ये राजा का कहा मिलेगा राजा का राज्य किधर है मैप में अगर तलवार वगैरह मिल रहा है तो राजा का राज्य भी होना चाहिए और ये शहर का राजा कौन है और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या हम तलवार लेके जाए क्या उसके राज्य में क्या पता राजा खुश हो जाए कि भाई ये कौन आ गया तलवार लेके प्रोटेक्शन देने के लिए ये 52 डॉलर का तो अपने पास 52 डॉलर अरे भाई ये लेते हैं 9 डॉलर का फिश और 13 डॉलर में बेचेंगे भाई साहब ये हुई ना बातचीत भाई ये 9 डॉलर का जो हमने खरीदा है ना इसमें हमको प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि खाना खाने के लिए लोगों को कुछ तो हमें बेचना ही है तो हमने बेची है मछली अभी आ, ये दारू बारी हुए क्या हाँ नहीं यार ये ऑयल बोल के दारू बेच रहे आराम खोर ये मेडिसिन है मतलब ये कोई दवाइया है एक सौ ऐसी की नहीं खरीदेगी हम लोग अभी के लिए अभी मेरे पास दस डॉलर बचे हैं दस डॉलर में क्या आएगा वो देखना है हमें ये आएगा ब्रेड आठ डॉलर का और बिकेगा सात डॉलर में नहीं भाई हम नहीं खरीद रहे ये सब चीज़ें भाई ये वाला भाई साहब क्या बेच रहा है आई थिंक ये बेच रहे हैं थोड़े बहुत फ्रूट और ये सब चीज़ें फ्रूट काफ़ी महंगे हैं सच बताओ तो टमाटो तीन डॉलर का आएगा आई थिंक ये खरीदने जैसा है बट प्रोफिट ही नहीं है तो क्यों खरीदेंगे हाँ अपने शॉप पे आने वाले लोगों को वेरायटी देने के लिए खरीद सकते हैं बट हम इतने भी अच्छे नहीं है कि लोगों को वेरायटी देंगे अभी के लिए इतना सामान काफ़ी है हम लोग जाते हैं वापिस यहाँ पर और ख़रीद लेते हैं नौ डॉलर का फिश एक और बार ताकि हमारा जो ये कारोबार है वो एकदम फूल हो जाए अभी इस गाड़ी को लेके हम लोग जाएंगे अपने शॉप पे और ये सभी चीज़ें सेल करके आते हैं फटाक से चलो लेट्स गो भाई यहाँ पे ना काम करने वाले सभी लोग या ऐसे ही घूमने वाले लोग ना छरी बरी जो भी आता है एकदम छुरी बुरी लेके निकल जाते हैं किसी के हाथ में हथौड़ी है और मेरे ख्याल से मेरे को लगता है दो बहुत ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि लोग जो है छरी या तलवार कुल्हाड़ी लेके ऐसे नहीं घूमते हैं अब यहाँ पे तो बहुत डर लगता है अरे पता नहीं हम ये गाड़ी लेके जा रहे हैं किसी ने सर पे हथौड़ी दे दे मारी या किसी ने छुरी बुरी मार के हत्या कर दी हमारी और सभी सामान लूट लिया है कुछ भी हो सकता है और सबसे बढ़िया बात यह है पंद्रह के इस जगह की यहाँ पे राजा का राज्य कहाँ है हमें नहीं पता है बस हम अपना शॉप चला रहे हैं मार्केट से सामान ला और घर पे जाके सो जाएंगे बाद में वैसे वो जो घर था ना स्टार्टिंग में जो मैंने तुमको एक कमरा दिखाया था वो अपना घर था तो वहाँ पे जाके हम लोग सोएंगे ये क्या हो गया तो इस वीडियो पे गाइज लाइक और अपना जो लाइक टारगेट है उसे और कमेंट टारगेट को कंप्लीट कर देना कमेंट है अपना पाँच हजार का टारगेट और लाइक का है पता नहीं कितना भाई ये शॉप पे तो हम लोग आ चुके थोड़ा गाड़ी चल जाए ना तो मजा आ जाएगा ये लो भाई इसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये रख देते पेटी भाई सभी सामान तो बिक गया है इतना जल्दी बिक गया क्या भाई कुछ ज्यादा ही हमारी शॉप चलने लगी है मैं देख रहा हूँ मतलब सामान लाते ही बिक रहा है भाई साहब ये सभी सामान जो है ना ये टोर्च वगैरह ये सभी चीजें आपको बेचनी है हाँ ये सब पड़ी नहीं रहनी चाहिए कितना पैसा कमाया तुमने एक सौ पचास कोइन भाई तुम बहुत मस्त आदमी हो तुम मेरा धंधा चला के दोगे मेरे को एक सौ पचास कोइन भाई साहब और क्या चाहिए क्या इस वीडियो में हम लोग कम से कम दो तीन हजार को तक कमा सकते हैं क्या हम लोग ट्राई करते हैं दो तीन हजार को तक पहुंचने के लिए अगर कमा लिया तो बढ़िया अगर नहीं कमा पाए तो फिर भाड़ में जाए बट ट्राई करने में क्या जाता है अब यहाँ पे रख देते क्योंकि हम लोग दो हजार तेईस के लोग हैं भाई हम लोग फ्यूचर से आए हुए लोग है हमको पता है धंधा कैसे करना है तो हम लोग जो है ना अभी इस गेम में फोड़ने वाले हैं मतलब इतना चीजें बेच के पैसे कमाएगी इतने पैसे कमाएगी किसी ने सोची ना होगी थोड़ा बहुत यहाँ पे भी मछली वगैरह रख देते हैं भाई फ्रिज ब्रिज में रखने का तो जरूरत नहीं है ना देखो पहले मछलियाँ भी बाहर रखने पे बिगड़ती नहीं थी और आजकल तो मछलियाँ लाओ उसको बाहर रख दिया फ्रिज के बाहर तो ये बिगड़ जाती है भाई आ, फिर मेरे को कन्फर्म नहीं पता मैंने कभी मछली वगैरह खाया नहीं है बट सुनने में तो ऐसा आया था कि मछली फ्रिज के बाहर निकल मतलब निकाल के रखेंगे तो वो बिगड़ जाती है मैंने गेम में भी देखा था हम तो प्योर वेजिटेरियन है भाई तुमको आइडिया नहीं इतना बट अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी यहाँ रख देते हैं ये सीड जो कि खेती में यूज होगा और आई थिंक काफी ज्यादा प्रॉफिट होने अरे कामचोर हराम का पीला भाग गया अरे क्या बोलू मैं धंधा छोड़ के भाग गया चलो हम लोग भी सो लेते हैं हमको पहले तो नीचे देखो राइट साइड में तुम्हें तीन सिंबल दिखेंगे यूरिन डटिनेस और हंगर डटिनेस ही है ना हाँ तो मतलब हंगर मतलब कि हमको कितना भूख लगा है वो और यूरिन मतलब कि हमको ससु लगा है और डर्टीनेस मतलब कि हमको नहाना पड़ेगा तो उसके लिए बात चाहिए होगा बट उससे पहले मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ भाई कुछ खाने के लिए दे दो ब्रेड खरीद लेते हैं अभी के लिए तीन डॉलर का और हमने जो है खाना तो खा लिया है हमारा भूख जो है वो मिट चुका है अभी सबसे पहले हमें करना है सुसु और सुसु करने के लिए हमें जाना होगा हमारे घर पे एक टॉयलेट बनवाना होगा क्योंकि टॉयलेट है नहीं और पहले के टाइम पे टॉयलेट ऐसे हुआ करते थे देखो ये टॉयलेट को हम लोग इधर कोने बोने में रख देते हैं भाई यहाँ पे रखते हैं टॉयलेट और आते जाते लोगों के सामने हम लोग मुते गए भाई ये लो भाई स्क्रीन क्यों ब्लैक हो गया भाई यार छी भाई इन लोगों ने स्क्रीन को ब्लैक कर दिया मेरे को देखना था सुसु करते तो वो इसको भाई हमारी ख्वाहिश से भी बहुत खतरनाक वाली हो रही है क्रिंज वाली ये सब क्रिंज चीज़ें नहीं करेगा अब इधर रख देगा अपना बुक और इस बुक से हम लोग करेंगे अपना गेम सेव भाई कंप्लेंट इतनी सारी कंप्लेंट कैसे आ गई नो थ्रेड स्पूल, नो पंपकिन नो फिश नो इंक नो सोसीज, नो फाइबर एट ऑइल नो कंपास, नो चीज़ रोल नो भाई इतनी सारी चीज़ें मैं कहाँ से तुमको ला के दूंगा अभी कल तो मैंने शॉप के ओपन किया है तुमको एक ही समय में सब कुछ चाहिए ऐसा नहीं होगा भाई पहले तो सबसे सब पहले सेव गेम करते हैं फिर ये वाली चीज़ टिक मार कर देते हैं वर्कर ओपन शॉप इट सेवन ए एम और वर्कर क्लोज शॉप वे आउट ऑफ स्टॉक ये भी टिक मार कर देते हैं फिर इसको कर देते हैं क्लोज उसके बाद हम लोग लगा देंगे एक बेड और वो बेड लगेगा यहाँ पर आ, भाई इधर लगा देते हैं बेड जहाँ पे हम लोग सोने वाले हैं भाई किसी को शहर में पता तो नहीं लगा है ना कि हम लोग फ्यूचर से आए हैं अगर पता लग गया तो वाट लग जाएगी भाई भाई सोते टाइम ये लोग गेम वाले ऐसा क्यों कर देते हैं मतलब स्क्रीन को ब्लैक क्यों कर देते हैं वहीं तो हमको देखना होता है कि सोते कैसे है लोग क्योंकि हमको सोना नहीं आता शॉप ओपन चलो शॉप ओपन हो चुका है सुबह के सात बज चुके हैं ऑटोमेटिकली जाके देखा हमारा वर्कर कितना अच्छा है जाके सीधा सबसे पहले तो शॉप ओपन किया भाई हमारा टॉयलेट मत यूज करना हाँ अपना टॉयलेट यूज़ करो बट ये सब चीजें करेंज हो जाएगी तो अभी हम लोग ये देखते हैं चचा कितना कमाया चा चचा फोर्टी नाइन डॉलर ऐसे ही कमा लिए क्या बात है तुम्हारे जैसा वर्कर अगर रियल लाइफ में भी किसी को मिल जाए ना तो उसका बेड़ा पार है भाई मतलब ऐसा इंसान जो दिल से काम करे तो तुम्हारा धंधा चलना ही चलना है देखा मैंने ये मतलब ये चाचा को क्यों काम पे रखा है तुम लोग सोचोगे क्योंकि मैं अगर एक जवान आदमी को काम पे रखता ना तो जितने भी गांव में बूढ़े हैं वो सब लोग चीजें खरीदने के लिए नहीं आते क्योंकि उनको बुरा लगता कि भाई एक जवान इंसान चीजें बेच रहा है बट अगर हम लोग बूढ़ा रखेंगे काम के लिए तो सभी बूढ़े यहाँ पे आकर्षित हो और आएंगे हालांकि मैं एक ढूंढ रहा था बट वो मिली नहीं आगे बढ़ते तुम तो लोग समझ सकते हो फिर तो डबल धंधा होता बट कोई ना यार इतने धंधे में ही हम लोग खुश है। अभी हम जा रहे हैं मार्केट और भी सामान लेने के लिए और हाँ हम लोगों को बात भी चाहिए थर्टी सिक्स डी ने सो हो चुका है तो हमको नाना धोना पड़ेगा तो उसके लिए बात वगैरह भी लेके आएंगे बट उससे भी पहले हम लोगों को मार्केट से थोड़ा बहुत बेचने के लिए सामान लेके आना पड़ेगा तो आ चुके हैं हम लोग मार्केट में और मार्केट आज भी दिखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा है क्या कर रहे हैं चाचा ए चाचा कैसे हो चाचा चाचा क्या आप हमको एक आध टेबल वगैरह बेचोगे हमको एक शेल्फ चाहिए तीस डॉलर का शेल्फ ये है भाई शेल्फ टू ये भी तीस डॉलर का ही है मैं सोच रहा हूँ ये वाला शेल्फ खरीद लेते हैं और एक बड़ा सा टेबल भी खरीदेंगे बट उससे पहले खरीदेंगे ये वाला एक शेल्फ और 20 डॉलर हमारे वर्कर ने ले लिए डेली वर्कर फी भाई वो वर्कर 20 डॉलर लेता है हर दिन काम करने के ठीक है भाई कोई ना तू भी ले ले जब मेरा धंधा बड़ा हो जाएगा ना तब भी काम करना तो ये सही बीस डॉलर में ही अभी हाँ सीड का प्राइस कम हो चुका है बीस डॉलर का सीड खरीदेंगे और बेचेंगे हम लोग तीस डॉलर में वाह हम लोग एक और बार खरीदेंगे सीड क्योंकि सीड में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है भाई साहब दिखने में तो लग रहा है कि भाई हम लोग को करोड़पति बना सकता है सीड उसके अलावा कंपास अभी भी हाई प्राइस है इंक भी हाई प्राइस है और कैंडल सोलह डॉलर और तेईस डॉलर की बिकेगी कैंडल लेने जैसा है मतलब क्योंकि काफ़ी अच्छा रेट में हमें मिल रहा है तो क्यों नहीं उसके बाद बातचीत करें ये सभी चीज़ों की तो थर्टी फोर डॉलर में मिलेगा और बेचेंगे हम लोग मोरटार नाम है इसका पचास डॉलर का लेट्स गो अच्छा डील मिलता हुआ एक और बार इसको यहाँ रख देते हैं और उसके बाद हमारे पास हमारे पास सेवेंटी फोर डॉलर ही बचे क्या बात कर रहे हो अभी क्या खरीदे भाई ये वाला खरीद ले क्या चीज़ नाइफ नो ब्रो चीज नाइफ नहीं चाहिए तलवार बलवार खरीदना है बट पैसे है नहीं भाई फोर्टी नाइन डॉलर का भाई ये खरीदते हैं फोर्टी नाइन डॉलर का खरीद के सीधा सत्तर डॉलर में बेचेंगे भाई ये तो निकल पड़ी अपनी अच्छा यू नीड हायर शॉप रेटिंग मेरे को पहले लगा कि भाई धंधा मिल गया बट हमारा शॉप का रेटिंग अच्छा होगा ना तब जाके हमको मिलेगा और शॉप रेटिंग हमारा जीरो है छी भाई ऐसे कैसे चलेगा भाई ये तो गलत बात हो गई अभी खाना वगैरह बेचते हैं मछली का प्राइस बढ़ गया अरे अभी इसका प्राइस अरे, अरे 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 हाई प्राइस गुड प्राइस फिफ्टी थ्री चिकन मीट चाहिए क्योंकि खाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना ही है और चिकन आई थिंक लोग खाते हैं आज भी खाते हैं और पंद्रह सौ साठ में भी लोग खाते थे कहने का मतलब यह है कि चिकन आज भी डिमांड में है और पहले भी डिमांड में हुआ करता था कुकिंग ऑयल हमको मिलेगा हाँ कुकिंग ऑयल खरीद लेते हैं भाई यार अब हमारे पास बचे हैं सात डॉलर और सात डॉलर में एक ही चीज़ आएगी और वो है फ्रूट ये फ्रूट नहीं है भाई ये तो सब्जी है ना हम लोगों ने लास्ट टाइम फ्रूट बोल दिया था लोकेश भाई के साथ रहना बंद करना पड़ेगा ये देखो पंद्रह सात डॉलर का हाँ ओनियन खरीद लेते हैं भाई सात डॉलर में ओनियन आएगा कांदा इसको इधर रख देते हैं और निकलते हैं ये गाड़ी को लेके सीधा यहाँ से अपने शॉप पे और जाके बेच के आते हैं सब चीजें ओ सॉरी हमको बात खरीदना था बट हम बात खरीदना भूल चुके हैं चलो कोई ना कल सुबह सबसे पहले हम लोग बात खरीदने के लिए आएंगे और बात से सबसे पहले तो नहाएंगे और उसके बाद ही सभी काम करेंगे तो हम आ चुके हैं अपने शॉप पे और ये भाई ये फंस कैसे गया इधर ये दरवाजा बंद करो इसको निकालो बेचारे को अरे शॉप क्लोज नहीं किया अरे ये फंस गया रे इधर वो चला गया काम चोर नहीं यार वो काम तो कर रहा है अंदर वो कोई दूसरा ही था सॉरी 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 टेबल पे पाँव रख दिया ये क्या है हाँ ओनियन बेच रहा भाई ओनियन फटाफट से बेचना चालू कर दे ओनियन चीज यू कैन नॉट कैरी टू ऑब्जेक्ट इन योर हैंड ओ अच्छा ये कोर पहले से ही था क्या लोग भाई हमको क्या पता कि हमारे हाथ में पहले से ही एक कांदा है भाई गिन के पांच कांदे देते हे लोग यार एक डब्बे में गिन के पांच चीजें आती है हद हो गई है शेल्फ लगा देते हम लोग यहाँ पे और कल सुबह तुम्हें पता है ना क्या करना है हम लोगों को सबसे पहले तो नहाने के लिए बात खरीदना है भाई बात का बहुत ज्यादा जरूरत है ये डब्बे बब्बे लेके आते हैं और सभी चीजें ना रख देते हैं बेचने के लिए ये कैंडल ही है ना हाँ ये कैंडल भी बेचो चचा कैंडल चाहिए रहेगा सबको रख जा भाई लग जा यार ऐसा कैसा हो रहा है एकदम मस्त लग रहा है दिखने में तो कैंडल एक तो मैं ही खरीद लू कैंडल ऐसा मेरे को मन हो रहा है बट बेन वही है कि जो धंधा करता है ना वो सब चीज़ें हमें नहीं खरीदनी है जो चीज़ का हम धंधा करते वो हमें नहीं करना चाहिए ऐसा बोला जाता है बट मैं नहीं मानता हूँ यहाँ पे डब्बा रख के ये भी रख देते यहाँ पे भाई गेम है तो मस्त ये गेम से हमें हो चुका है प्यार ये है दारू की बोतल कुकिंग ऑयल दारू की बोतल नहीं तुम लोगों को हर चीज में दारू क्यों दिखता है अब इधर रख देते ये वाला डब्बा लेके आके अ और फिर ये है ये है मीणबत्ती मोर्टार पता नहीं मोर्टार क्या होता है मेरे को तो मीणबत्ती लगा मोर्टार का मतलब क्या है भाई कोई कमेंट करके बताना वरना मेरे को गूगल करना पड़ेगा मोर्टार मीनिंग ऐसा करके तो अभी के लिए हमारा शॉप दिखने में ऐसा दिख रहा है कि हमारा शॉप बहुत बड़ा है जबकि शॉप तो बड़ा है बट सामान बहुत कम है इसको और भी अपग्रेड करने के लिए हमको चाहिए हो पैसे तो सबसे पहले हम लोग पैसे कलेक्ट कर लेते हैं एक डॉलर हम लोगों ने कमाए हैं और चीज़ें अभी भी पड़ी हुई है मतलब हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं बट अभी के लिए हमें जाना है बात खरीदने के लिए और भी सामान खरीदने के लिए ये दोनों चीज़ करना है तो बात और सामान खरीदने के लिए हम लोग जाएंगे फटाफट से सीधा मार्केट पे और चचा क्या हालचाल हम एक बात खरीदने के लिए आए हैं ये बात खरीद लेते हैं तीस डॉलर का नहीं पचास डॉलर का बात है क्या बात काफ़ी महंगे है भाई आ जाओ अभी हम लोग थोड़ा बहुत और भी सामान खरीद लेते हैं क्योंकि सामान चाहिए और हम लोग 140 डॉलर लेके आए हैं तो चीजें तो खरीदेगी ही खरीदे सबसे पहले तो हम लोग खरीदेगे सीड क्योंकि सीड में यार मैं देख रहा हूँ बहुत डेंजर वाला प्रॉफिट है और एक ये चीज है जिसमें प्रॉफिट है बट हम लोग ने कैंडल अभी अभी खरीदा था तो मैं कैंडल नहीं खरीदूंगा इस बार मैं खरीदना चाहता हूँ कुछ और सामान जो कि हमको वेराइटी प्रोवाइड करेगा और थोड़ा प्रॉफिट भी प्रोवाइड करेगा हालाँकि हम लोग मीट पहले ही बेच चुके हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है एक थर्टी एट डॉलर का सोस भाई सोर्स बेचते हैं सोच में अच्छा प्रॉफिट है थर्टी एट डॉलर का फिफ्टी फाइव डॉलर हो रहा था कि फ़ोटी फाइव हो रहा था पता नहीं बट गुड प्राइस था तो हमने ख़रीदा है हाँ फोर्टी फाइव हो रहा है ये थर्टी थ्री का पोंक भाई ये बढ़िया है इसका इसका मतलब क्या है पोंक मतलब क्या इसको भी रख देते इधर हमको क्या हमको तो चीज़ें बेचने से मतलब है ना उन पचास डॉलर बचे हैं इसमें कौन सी चीज़ गुड प्राइस में है ओनियन के अलावा भाई गार्लिक ख़रीदते हैं भाई हम लोग ना ओनियन और गार्लिक बेच के ना मतलब करोड़पति बनना चाहते हैं और कुछ नहीं है ये क्या है गोभी काबेज ओके कोबेज है ना हम लोग तो गोभी बोलते हैं इसको और ये सब क्या है भाई और ये भी चीज़ें बकवास है भाई कोई बढ़िया चीज़ बेचो यार हाई प्राइस करके क्यों बैठो तो बीस डॉलर का ट्वेंटी फाइव डॉलर नहीं भाई नॉट इंटरेस्टेड वन सेवेंटी फाइव का बट इतना पैसा होना भी तो चाहिए ये बारह का ये ओइल ख़रीद लेता है भाई साहब यार ऑयल का ना डिमांड बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि खाना पकाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बीवी बीवी बी -बी, अरे यार बीवी -बी में मजाक में बोला भाई लड़के भी पका सकते हैं खाना बट उसमें स्वाद नहीं है लड़कियों को ही पकाना चाहिए बर्तन वगैरह उनको ही साफ करना चाहिए ऐसा लोग बोलेंगे बट मैं ये सब चीज़ों पे नहीं मानता हूँ मैं तो बोलूँगा यार खाना जिसको भी बनाना है बनाओ भाड़े में जाओ मेरे को कुछ बात नहीं करना अभी मेरे को तुम लोग कैंसिल कर दोगे अभी एक मिनट यार है चचा तुम दूर हटो रे क्या कर रहे हैं चचा ये आठ डॉलर बचे आठ डॉलर का एक ही चीज़ खरीद सकते भाई हर बार देख रहे हो तुम लोग सात आठ डॉलर बचते हैं और हम लोग खरीदते क्या इससे ओनियन कांदा लहसुन ये लग देता है यहाँ पे और सीधा जाएंगे हम लोग अपने शॉप पे लेट्स गो और ये सभी सामान बेच के आएंगे सबसे पहले मतलब देखो खाना पकाना है ना तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए ऑइल क्योंकि ऑइल डालने के बाद ही खाना पकेगा तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने शॉप पे ये सभी सामान जो है उसे नीचे उतार के थोड़ा बेचने के लिए रख स... अरे यार छुरी लेके मार के गया क्या इसको नहीं यार चीजें खरीदने के लिए आया था मेरे को डर लगता है भाई हमारा एम्प्लॉय ना काम करने में बहुत तगड़ा है तो मेरे को डर है कि ये चाचा को कोई आके छुरी बुरी मार के मार ना दे क्योंकि धंधा अच्छा करवा रहा है ना भाई भाई चाचा पुराने हैं बट इनका तरीका नया है काम करने का तुम देखो यार अभी जैसे मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा ना कितना पैसा देगा चाचा ये देखना देखो दो सौ चौपन डॉलर तो ऐसे ही दे दिया कि भाई मजाक चल रहा है जैसे तो इसलिए हमको ये चाचा की बहुत ज्यादा जरूरत है और उससे पहले हमको नहाना धोना पड़ेगा भाई भूख भी लगी है नहाना भी है सुसु भी लगी है सब चीजें करेंगे बट उससे पहले ना सभी सामान रख के जाएंगे हम लोग घर पे चलो फिर दुकान को करते हैं बंद और हम लोग सीधा जाएंगे सबसे पहले खाना खाने के लिए ये चाचा के पास ये चाचा ना लेट नाइट तक खाने का शॉप ओपन करके रखते हैं ये ले लिया हमने थोड़ा बहुत खाना और अभी हम लोग बेड लगाएंगे घर पे जाके बेड नहीं हम लोग लगाएंगे बात और नहाएंगे सबसे पहले बाद में हमें जो भी करना है वो करेंगे अरे यार ये इसका यूज़ करते हैं भाई ये बहुत गजब चीज़ है मतलब इसमें ना कैमरा बंद कर देते हैं लोग एक मिनट इसके अंदर है क्या कुछ <laughs> भाई नाइट हो चुका है पूरा रात हो चुका है इसको दरवाजा ओपन करके घर में घुसते हैं भाई हम लोग कुछ भी कर रहे हैं कि बुक ओपन करता है गेम को करता है सेव और शॉप रेटिंग जो है हमारी वो चुकी हमारी शॉप रेटिंग अभी है एक टका क्या बात है हमारा शॉप रेटिंग भी इतना अच्छा हो गया क्या चलो बढ़िया है अभी हम लोग बेड पे लेटने से पहले हम लगाएंगे बात और बात को यहाँ पे रख देंगे और जैसे ही सुबह में उठेंगे बाहर रखते हैं इधर पे ही ये वाले कोने में आ, इधर पे बढ़िया भाई ये वाला जगह एकदम मस्त है देखो ऐसे करके भाई यार यहाँ पे रख देना चाहिए हम लोगों को आ, अच्छा ये रख दिया हमने बात यहाँ पे आके नहा बट सबसे पहले हम लोग सो लेते सिक्सटी नाइन हो गया है भाई दर्टीनेस गुड मॉर्निंग दोस्तों भाई देखो हमारा जो चचा है ना काम का बहुत पक्का है हम जैसे उठेंगे सबसे पहले चचा जाके शॉप ओपन करेंगे देखना अभी मैसेज आएगा कि चचा ने शॉप ओपन कर दिया देखो शॉप ओपन है मतलब कि हमारे जो कारीगर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा महंतु लोग हैं हमसे भी ज्यादा अभी इधर जाके हम लोग नहा लेते हैं अभी हम लोग जाएंगे सीधा हम लोग अपनी शॉप पे और शॉप पे जाने के बाद पैसे उठाएंगे और पैसे उठा के अभी देखो थोड़ा बहुत मैं गेम को स्किप करूंगा क्योंकि मेरे को पैसे जो है ना इसी वीडियो में दो तीन हजार कमाने हैं तो मैं फटाफट से चीजें खरीद के आऊंगा और इधर बेचूंगा अरे भाई चचा ने तो हेयर स्टाइल बना लिया एकदम बढ़िया आंड्रे रसल की तरह एकदम आंड्रे रसल का वो है ना स्टाइल वैसे उसका कलर वाला होता था इसका ना वाइट है चाचा का अभी उठा लेते थोड़े बहुत पैसे ट्वेंटी डॉलर ही है और सामान खरीद के आके बेचते इस वीडियो में हम लोगों को टारगेट है दो तीन हजार डॉलर तक पहुंचने का तो उसके लिए मेरे को और भी सामान चाहिए होगा तो मैं सामान लेके आता हूँ तो लगभग साढ़े तीन घंटे गेम खेलने के बाद रात के बज चुके हैं पांच और अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ मैंने काफी गेम में प्रोग्रेस कर लिया है मतलब हमारा जो शॉप है वो पूरा टोटली चेंज हो गया मतलब दिखने में पहले नुबडो की तरह शॉप दिखता था कुछ भी हम लोग सामान बेच नहीं सकते थे ऐसा था बट अभी हमारा शो बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है और सबसे सब बढ़िया बात यह है कि हमारा जो शॉप रेटिंग है वो भी बढ़ने लगा है तुम लोग देखोगे ना शॉप रेटिंग हमारा अभी के टाइम पे है इक्कीस टका जो कि मेरे को फिफ्टी टका लेके जाना है मतलब पचास टका लेके जाना है ताकि मैं महंगी चीज़ें बेच पाऊँ बट अभी के लिए इतना भी काफ़ी है देखते हैं आ जाओ मैं तुम लोगों को अपना शॉप दिखाता हूँ जो कि हम लोगों ने एकदम नेक्स्ट लेवल पे कर दिया है तो शॉप देख के तुम लोग बोलोगे वाह मजा ही आ गया इसी बात पे वीडियो को लाइक भी कर देना यार आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ यह है अपना शॉप तुम लोग देख सकते हो टेबल कितने सारे रस्सी बेचने के लिए मैं लाया था ये सब चीज़ें मीट जो आता है वो भी बेचा उसके अलावा शेल्फ़ वगैरह भी मैंने काफ़ी सारे खरीदे और यहाँ पे लगा दिए टेबल के साथ तो दिखने में काफ़ी कूल है हालांकि मेरे को इसको और भी अपग्रेड करना है आने वाले समय में करूँगा बट चीज़ें तुम लोग देख सकते हो बहुत सारी मैंने बेची है और हाँ अभी तक मैंने कलेक्शन यहाँ से उठाया नहीं है तो मैं जैसे ही पैसे उठाऊंगा बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है मेरे पॉकेट में आ जाएगा बट आ, मैंने दो तीन बार पहले उठाया है तो बिल्कुल नहीं उठाया ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं गेम को मैं कर देता हूँ सेव और उसके बाद मैं पैसे उठाता हूँ इधर से छब्बीस सौ छब्बीस सौ साहब बहुत ज़्यादा ही हो गया है तो तो अभी तुम लोगों को इस गेम का पार्ट टू चाहिए कि नहीं वो कमेंट करके तुम लोग बता सकते हो नेक्स्ट अगर मैं इसका पार्ट लाता हूँ तो उसमें मैं ट्राई करूंगा कि एक ही दिन में दस पंद्रह हज़ार डॉलर का सेल करूँ और पैसे कमाऊँ और हाँ ये गेम मेरिएबल ट्रेडर सिम्युलेटर नाम से है और हाँ ये गेम उसी ने बनाया है जिसने ट्रेडर लाइफ सिम्युलेटर बनाया है तो हम लोगों ने पहले ट्रेडर लाइफ सिम्यूलेटर खेला था तुम लोगों को याद हो तो, तो ये उसी कंपनी ने बनाया है सच बताओ तो बढ़िया गेम है बाकी हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय आई होप तुम लोगों के वाला वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करके जाना चलो बाय बाय देख लो आखिरी बार अपना शो भाई गजब ही लग रहा है ये तो मज़ा आ गया